हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब खबर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से आ रही है, जो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से नए मरीजों की भर्ती बंद हो गई है, और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मरीज जाएं तो जाएं कहां। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SMS अस्पताल ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये आप देखिए, ये आपातकालीन सेवा यहाँ पर होती है और यहाँ पर स्ट्रेचर लगा दिया है। किसी तरीके की कोई भी मरीज की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ दिन पहले RUHS से जो मरीज कोविड से संक्रमित थे, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी, उनको यहाँ पर लाया जा रहा था भर्ती करने के लिए। लेकिन अब SMS अस्पताल ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है, बेड्स नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी मरीज की भर्ती नहीं होगी। चूँकि OPD यहाँ पर चलती है, सिर्फ कोरोना से संक्रमित नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी जो लोग ग्रसित होते हैं उनका यहाँ पर इलाज होता है, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी पेशेंट नहीं आएगा। लाचार की सबसे बड़ी लोगों की यही है कि जो लोग अपने पेशेंट को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उनकी एंट्री हो ही नहीं पा रही है और उनको यहाँ से वापस लौटना पड़ रहा है। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार कितनी संवेदनशील है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो दावे लगातार गहलोत सरकार ये कर रही है कि संक्रमण काल में अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाएगा, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। क्या दिक्कत आ रही है सर? ऊपर पेंशनर्स जो भी दवाई लेने आते हैं, रोजाना आते हैं, कह देते हैं ये दवाई उपलब्ध नहीं है, ये दवाई उपलब्ध नहीं है, और डायरी वापस दे देते हैं। अच्छा, भर्ती भी नहीं हो रही है यहाँ? मैं भर्ती के लिए नहीं आया, मैं दवाई लेने के लिए आया हूँ। दवाई के लिए आया? जी। ठीक है, तो यहाँ दवाई सरकारी दवाइयाँ भी नहीं मिल रही? सरकारी दवाई भी नहीं मिल रही, बोले पेमेंट ही नहीं आता, ऊपर से दवाई नहीं आ रही। नहीं रहे क्या, वापस लेके जा रहे हैं? धनवंतरी में लेके जा रही हूँ। दो नंबर इंजेक्शन लगा के हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।